हेलो गाइस, वेलकम टू सैयद फैज़ान अहमद यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज़। बात करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च की। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने एक ट्री लिया हुआ है जिसमें एक रूट नोड है ए, देन उसके दो चाइल्ड हैं बी एंड सी, एंड देन उनके चाइल्ड्स हैं डी ई एफ जी। ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्स लेवल बाय लेवल, इसमें लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सिंग होती है। लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सिंग का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रूट को स्कैन किया, एंड देन रूट के एलिमेंट्स अगर हैं ब्रेथ वाइज में तो उनको स्कैन करेगा, और अगर नहीं है तो लेवल चेंज करके लेवल वन पर आएगा तो देन बी को स्कैन करेगा एंड देन सी को स्कैन करेगा। बी और सी को स्कैन करने के बाद बी के एलिमेंट्स को अगेन के जो चाइल्ड है उनको स्कैन करेगा नेक्स्ट लेवल पर, और फिर उसके बाद एफ और जी को स्कैन करेगा। विच मीन्स इसमें जो वर्किंग हो रही है वो लेवल बाय लेवल हो रही है। तो इसकी हम लेवलिंग कर लेते हैं। हमने ए को लेवल 0 रखा, इसको लेवल 1 एंड देन लेवल 2। लेवलिंग करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि ए तक पहुंचने के लिए हमारा पाथ क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर ए तक पहुंचने के लिए हमारा पाथ 0 पाथ की रिक्वायरमेंट है, हमें 0 एज है हमारे पास, तो हम इसको लेवल 0 रख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से बी और पर पहुंचने के लिए हमारे पास, या सी पर पहुंचने के लिए हमारे पास एक लेवल एज की रिक्वायरमेंट है, एक पाथ की रिक्वायरमेंट है। ए टू बी सिंगल पाथ है ना, ए टू सी सिंगल पाथ है, तो इसमें हमें एक लेवल 1 की ज़रूरत है, एक एज है हमारे पास। और इसी तरह से अगर एफ़ की बात करें तो ए टू सी एक पाथ है, सी टू एफ सेकेंड पाथ है, मतलब दो एज की ज़रूरत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये लेवल 2 है, राइट। अब हमें बीएफएस स्टोर कराने के लिए हमें एक क्यू की रिक्वायरमेंट होगी। हम एक क्यू ले लेते हैं, ये एमपीटी क्यू है। क्यू वर्क किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? क्यू वर्क करती है फीफो पर, विच मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये हुआ जो एलिमेंट पहले आया है वही पहले जाएगा। अब एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल सी है। पुट द रूट नोड ऑन अ क्यू वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, रीड अ नोड फ्रॉम क्यू इफ गोल नोड देन सक्सेस, पुट ऑल द चाइल्ड ऑफ नोड इन क्यू एल्स रिटर्न फेलियर। कोई खास दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एल्गोरिथम लिखी हुई है। और इसको समझाते हैं एल्गोरिथम को, ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पुट द रूट नोड ऑन अ क्यू। हम एक ए को हमने इंसर्ट करा दिया क्यू में, और देखा होगा जैसे ही आपने ए को इंसर्ट कराया ए का कलर चेंज हो गया। हमने एक जो हमारा ट्री में कलर था उसको हमने चेंज कर दिया है ताकि हमें पता चले कि हमने किस किस को स्कैन कर लिया है। एंड देन वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, अब क्यू एम्प्टी नहीं है, रीड नोट ऑफ फ्रॉम क्यू, ए को रीड किया, रीड जब किया तो हमने पाया कि ये हमारा गोल नोड नहीं है। जब गोल नोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके चाइल्ड को क्यू में इंसर्ट करा देंगे। यानी कि हम किस पे लेवल अब हमारा चेंज हो गया, क्योंकि ए के चाइल्ड को हमने इंसर्ट कराना है, यानी लेवल ए 0 पे थे हम, अब लेवल 1 पर आ गए। अब लेवल पर 1 पर आए तो हमने बी को इंसर्ट कराया, एंड देन चाइल्ड की बात हो रही है, ऑल चाइल्ड की बात हो रही है, तो हमने सी को इंसर्ट कराया, और ये दोनों अभी गोल नोड नहीं थे हमारे, तो हम क्या करेंगे, लेवल अब वापस आ गए, मतलब वापस मीन्स हमने लेवल चेंज किया, लेवल 2 पर आ गए। लेवल 2 पर हमने किसको स्कैन किया, डी को स्कैन किया, एंड देन ई को स्कैन किया, एफ को स्कैन किया, और स्कैन किया हमने जी को। जैसे ही हमने जी को स्कैन किया हमको गोल नोड सक्सेस हो गया, मतलब हमको गोल नोड मिल गया। अब जैसे यहाँ पे गोल नोड मिला, हमने इसका कलर चेंज कर दिया है, आपने देखा होगा, और जैसे यहाँ पे हमारी एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी, यानी हमको सक्सेस कंप्लीशन ऑफ हो गया, सक्सेस हो गया, हमें मिल गया एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो बीएफएस है ना, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कंप्लीट एल्गोरिथम है, विच मीन्स अगर इसमें एलिमेंट हैं तो इसमें हमको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई नोड हो, हम उसको सर्च कर रहे हों और वो फाइंड ना हो। ऐसा होता है बहुत से एल्गोरिथम में, डीएफएस में ऐसा पॉसिबल है कि एलिमेंट हो और वो ना मिले, लेकिन बीएफएस में, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट एल्गोरिथम है। यही एक डिफरेंस है जो इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च से अलग करता है। और भी कई सारे डिफरेंस हैं जिस पर बात होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरा डेप्थ फर्स्ट सर्च पर ही होगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको इसमें बता दूँ रिक्वायर्ड बीएफएस ट्रैवलर पाथ जो है वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी है। इसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग भी मेरे पास है,
अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको भी अपलोड करूं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स दें ताकि मैं उसको भी अपलोड कर सकूं, उसको भी समझा सकूं आपको कि कैसे उसमें सी में प्रोग्राम कैसे होता है या लिस्ट पे प्रोग्राम कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात होगी और साथ ही साथ जो है प्रोग्रामिंग की बात होगी कि कैसे इनके प्रोग्राम करने हैं। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट करें। कोडिंग चाहिए जिस बंदे को वो भी मुझे कमेंट कर सकता है ताकि मुझे पता चल सके कि कोडिंग की रिक्वायरमेंट कितने लोगों को है या कितने लोगों को परेशानी हो रही है प्रोग्राम बनाने में। ओके।